सर मैं शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि एमसीडी पर कब्जा आपका है और बीते कई सालों से कब्जा है, या कहें दो दशक हो गया लगभग। इस बार आप लोगों ने नारा दिया है कि नहीं करते हम खोखले प्रचार, जनता में काम विश्वास, तो ये प्रचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ दिखाने को नहीं है, या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ज्यादा प्रचार कर रही है? क्योंकि जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि हमने सच में बहुत काम किया है। देखिए आप दिल्ली के अंदर 2339 कूड़ा गाड़ियां दिल्ली के लोगों के दिमाग में वो धुन मतलब उनके दिमाग में बस चुकी है। सुबह सुबह वो कूड़ा गाड़ी आती है और सारा कूड़ा लेकर जाती है। तो हमने जो है 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का किया है, हमने 5,82,000 LED लाइट्स जो लगाई हैं, ये उसमें हमें इनाम इसलिए मिला क्योंकि उस पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ। जो बिजली का बिल आता था, टेक्नोलॉजी बदली, LED लगाई, उसके बिल को बचा के दिल्ली को हमने व्हाइट रोशनी दे दी। तो अद्भुत काम हमने किया। एक बड़ा फेमस मीम है कि ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली जमीन पर नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ सुनिए, हम यहाँ पहुंचे, कूड़ा तो उठाया जा रहा था लेकिन बदबू इतनी आ रही थी कि हमारे नाक पकड़नी पड़ी। देखिए ट्रैफिक की समस्या हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, और जो स्ट्रीट लाइट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों से जब हमने बात की वो कह रहे हैं कि रात को निकलने में डर लगता है। तो अगर आपने इतना कुछ किया तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? तीन काम करोल बाग में जो आपने किया है वो बता दीजिए, जिस पर ये लोग ताली बजा दें और हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कूड़ा उठाने का काम है, घर घर से कूड़ा, पहले घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा होता था, गाड़ियां जाती है कूड़ा उठाता है, सबको पता है। दूसरी बात क्या है, कूड़ा घर के बाहर कूड़ा पड़ा रहता था, आज सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, कूड़े का पहाड़ भी देख रहे हैं सर। कूड़े के पहाड़ 18 मीटर कम हुए, इनके ऊपर 9,000 करोड़ का फाइन लगा क्योंकि दिल्ली सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। हमने 18 मीटर किया ऑन रिकॉर्ड, तीन किया हमारे सांसद ने, तीन काम, तीनों काम गिनवा दिया आपको, कूड़ा हम रोज इकट्ठा कर रहे हैं। शुभांकर जी काम तो इन्होंने किया है, इस बात में कोई दोहराने, काम तो इन्होंने किया है। इन्होंने क्या काम किया, दिल्ली में तीन कूड़े के पहाड़ बनाए, एक ओखला में, एक भलसवा में, एक गाजीपुर में। इन्होंने क्या किया, लोग घर के बाहर कूड़ा फैलाया, नालियों मच्छर पनपाए, इन्होंने ये काम किया। इन्होंने ये काम किया कि आज अगर कोई दुकानदार, कोई मकान वाला अपने यहाँ एक सीमेंट का कट्टा डाल दे तो सफाई करने के लिए इनका कोई आए ना आए, लेकिन उगाही करने के लिए हम सिटी वाला जरूर पहुंच जाता। ये इन्होंने काम किया। लेकिन उगाही का जिक्र आपने कर दिया तो मेरे मन में कई और सवाल आ गए। लोग कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा ठग था उससे भी उगाही कर ली आप लोगों ने। निश्चित रूप से इन लोगों ने उगाही की दिल्ली के एक एक पार्षद, आपने नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी ने ये भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आपकी बारी हो गई, आप सुनिएगा। आपने बोली ईमानदारी की, आपने बात की मेरे मन में, जैसे आप ईमानदारी कहते हैं क्योंकि आपकी पार्टी बार बार कैंपेन करती है कि कट्टर ईमानदार हमें। अब कट्टर ईमानदार का जिक्र करते मन में आता है जल बोर्ड, बीजेपी कहती घोटाला कर दिया, शराब को लेकर घोटाला कर दिया, जेल मंत्री के ऊपर आरोप लगा कि जेल में उगाही कर ली। तो ये कैसी कट्टर ईमानदारी है, ये ऐसी कट्टर ईमानदारी है, ये ऐसी कट्टर ईमानदारी है कि पिछले 8 साल में मुख्यमंत्री के घर के अंदर CBI चली गई, उप मुख्यमंत्री के बेडरूम में CBI चली गई, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि इनको 8 साल के अंदर एक सबूत नहीं मिल पाया, कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए। लेकिन अगर आज इस गली के मोहल्ले में जाके आप पूछोगे कि आपके मकान से लेंटर पैसे मांगने एमसीडी वाले आए, भाजपा वाले आए, तो एक एक आदमी कहेगा मेरे घर से पैसे लेके गए। एक आदमी का मकान बिना पैसे दिए नहीं बन सकता। ये सतेंद्र जैन जेल में क्यों है? ठीक है मैडम, एक सवाल मन में बार बार आता है और लोग पूछते हैं कि बीजेपी वाले टोपी कांग्रेस को पहनाते हैं, सॉरी आम आदमी को और आम आदमी कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस गायब हो गई। आप खुद यहाँ विधायक रह चुकी थी, ऐसा लगता है कांग्रेस विलुप्त हो गई है, खोजना पड़ता है, लोगों के बीच में जाइए तो वो भी जिक्र नहीं करते, तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है हम सत्ता के अंदर दिल्ली सरकार में नहीं है और कांग्रेस के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हैं, तो ये दोनों का ही जवाब देना बनता है। सफाई के लिए, सीवर के लिए भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली जल बोर्ड के लिए ये जवाब दें, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा इस टाइम पे काउंसलर हैं और लेंटर मैन के नाम से। यहाँ काउंसलर कौन है यहाँ पर? तो इस टाइम कांग्रेस का। तो अगर ये बजाती हुई नाली मुझे परेशान कर रही है, उलझन दे रही है, ये भीड़ मुझे उलझन दे रही है, लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, तो फिर आपके पास तो जो है आप वो भी नहीं संभाल पा रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा सिर्फ पूरे करोल बाग के अंदर एक काउंसलर है सुशीला, जहाँ पर हम खड़े हैं। और समस्या तो हम यही की बात कर रहे हैं। नहीं, समस्या की बात आप कर रहे हैं। आप एक देखिए, जब हाउस के अंदर कोई बात उठाई जाती है तो सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं, उसकी आवाज दबा दी जाती है और कोई काम नहीं करके राजी। अगर यहाँ तो वही बात हुई, ये कहते हैं ये पैसा नहीं देते, ये कहते हैं हमको पैसा नहीं दिया, आप भी कह रही हैं दोनों मिलकर। हमारे टाइम में हमने ना पैसा इनकारों का, तनखारों की, सफाई कर्मचारियों की, ना किसी और बात के लिए, शीला जी के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं। एक बार जनता से पूछते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है सर यहाँ पर? पार्किंग समस्या है सबसे बड़ी, पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक की सारी। चाची कोई समस्या, नाली वाली दिक्कत करती है? नहीं हमारी तरफ तो सब चीज सब कुशल मंगल है। कौन सबसे बढ़िया पार्टी, बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस?
ये तो क्या बता सके, कौन है पसंद नहीं। अब सर सवाल फिर आपसे आता है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एमसीडी में आप 17 सालों से काबिज हैं, 17 सालों में बीजेपी की क्या उपलब्धियां हैं जिसको लेकर आप जनता से कहेंगे कि एक बार फिर भरोसा करें, क्योंकि आम आदमी कह रही है हमने बहुत सारे काम कर रहे, दिल्ली मॉडल को लेकर वो गुजरात तक जा रहे हैं। देखिए पहले तो मैं भ्रष्टाचार की बात इनकी क्लियर कर दूं, सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया था केजरीवाल साहब ने, क्यों नहीं जमानत हो रही उसका उत्तर आज तक ये तो कह रहे हैं भारत रत्न देना चाहिए। अरे भाई भारत रत्न ऐसे आदमी को दोगे जिसको जमानत कोर्ट नहीं दे रहा, भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा कहते जज बदल लेते हैं आप लोग। सारा का सारी एनर्जी इसमें लगा दी कि शराब की जो कमीशन है वो 2 से 12 कैसे करे और 12 में से 6 कैसे वापस किए, सारी दिल्ली को शराब नगरी बना दिया। शराब का जिक्र आया, लोग कहते हैं कि जो पहले एक पौवा पीता था उसको आपने खंभा पकड़ा दिया। देखिए मेरा मानना ये है कि आज दिल्ली के लोग पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के जो शासन है, इन्होंने जो भ्रष्टाचार का शासन किया है, लोग उससे मुक्ति चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर निर्विरोध तालियां बज जाए, कोई सवाल ना खड़ा कर। मुझे लगता है जितने लोग यहाँ खड़े हैं ये मानते होंगे इनके बच्चों के स्कूल अच्छे हुए, दिल्ली के अस्पताल अच्छे हुए, वो कहते हैं क्लासरूम घोटाला कर दिया आप लोगों ने, अमानतुल्लाह खां पर आरोप लगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये घोटाले कहेंगे इनको गरीब का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, ऑटो वाले का बच्चा, दुकानदार का बच्चा, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा लेता है। आठ साल में तीन काम जहाँ पर एक घोटाला करूंगा, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, अच्छा ठीक है, किराया फ्री, बिजली का बिल जीरो किया। करोल बाग की जनता यहाँ मौजूद है, करोल बाग में आपने कौन सा स्कूल बनाया अब हम इसे पूछ लेंगे। देखिए एक स्कूल बताइए, एक भी स्कूल नहीं बनाया। देखिए मेरी बात सुनिए, करोल बाग में दिल्ली के अंदर पूरी विधानसभाओं के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे, कौन सा स्कूल हमको नाम बताइए। मेरी बात सुनिए, करोल बाग में एक स्कूल, मेरी बात सुनिए, आराम बाग के अंदर हमने स्कूल बनाया, आप जाके देख लीजिए। आराम बाग थोड़ी ना करेंगे, जनता से पूछेंगे तो बताएगा। आराम बाग में कहाँ पर हम चलेंगे साथ में, जनता से पूछेंगे पहाड़गंज आराम बाग है, वहाँ पे स्कूल बनाया गया, आप जाके स्कूल का नाम क्या है? जनता बता देगी स्कूल का नाम, जनता स्कूल का नाम बता दीजिए भैया। अरे भाई साहब नाम बता दीजिए, जनता बता देगी ना। अरे आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी अंकल जी सुनिए प्रवक्ता आप है आराम बाग के अंदर। अरे प्रवक्ता है, आराम बाग के नाम क्या है? बनाया गया है गवर्नमेंट बॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है, जाके देख लीजिएगा आराम बाग के अंदर। ठीक है सुमंत सुनिए, लेकिन आज जो चुनाव है इन लोगों से पूछ लीजिए, लग रहा है फंस गए सर, इनके घर के फंस गया, इनके घर के बाहर से कूड़ा साफ होता है क्या? इनसे पूछ लीजिए कर्मचारी तनख्वाह दी क्या इन लोगों ने? नहीं दी। आज भी एक स्कूल हो गया, आपकी बात हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बना होगा, उसको वेरीफाई करेंगे। और दो खेल आते हैं और क्या? हमने दिल्ली में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली फिर की, लोगों के बिल जीरो आए बिजली के। स्कूल का नाम क्या होता था? नाम क्या होता था? आराम बाग स्कूल, आराम बाग के अंदर। आराम बाग कम से कम 10 स्कूल है, दस स्कूल है, एक भी बता दे कौन सा स्कूल है। तुम कह रहे कोई सीनियर सेकेंडरी बॉय स्कूल, झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ये पहले से है। ठीक है लोगों की भी चाहते हैं भाई साहब, कह रहे सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है व्यवस्था की, बाकी व्यवस्था कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी बहुत गंदा है, पानी गंदा आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या सर ये है स्कूलों की सफाई ठीक तरीके से और ठीक तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है आप जरा ये बताइए कि एमसीडी के दायरे में अवैध अतिक्रमण आता है? बिल्कुल, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हर दुकान के बाहर कब्जा कर लिया है, लोगों को आने जाने दिक्कत। देखिए हमारे सब नक्शे अब आजकल ऑनलाइन पास होते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम सब लोगों ने सारा का सारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। कितने साल से एमसीडी में आप? कैसे साल हो गए? कितने साल हो गए? तभी तो ऑनलाइन शुरू हुआ ना, आज नक्शे ऑनलाइन पास होते हैं। आप देखिए कोई नक्शे के लिए जय नहीं आता, सब ऑनलाइन पास होता है। ये क्यों शुरू किया? हमने शुरू किया। आज सफाई कर्मचारी जो है आने लगे, उनके जो है थंब इम्प्रेशन लग रहे हैं, ऑनलाइन काम हमने किया। एक सेकंड, इन दोनों को आपने सुना, आपको लगता नहीं कि आपके लिए गुंजाइशें बड़ी ज्यादा है? दोनों पार्टी इतने मौके दे रहे हैं, जनता ताली बजा रही है, थोड़ी सी आप लोग जोर लगाएं तो मामला बन जाए। सीधी सी बात तो ये है कि दोनों की ही जवाबदेही बनती है, क्योंकि हम बड़े टाइम से ना इसमें विधानसभा में है ना नगर निगम। क्यों गायब हो गए? कुछ तो रहा होगा ना, अच्छा नहीं किए होंगे या पहले ज्यादा गड़बड़ किए होंगे? नहीं ज्यादा गड़बड़ की बात नहीं है, देखो पब्लिक है, पब्लिक उस टाइम पे झूठे वादे नहीं करते हैं, बीच बीच में जैसे होता रहता है, पब्लिक का अपना दिमाग होता है, वो अपने दिमाग से वो करती है। लेकिन जो नगर निगम की बात है, सफाई के लिए जैसे बता रहे थे कि धुन बजती है कूड़े उसकी, वो
इस तरीके से बजाते हुए जाते, खाली गाना बजता है जो भी धुन है इनकी, लेकिन इनका नहीं। एक मिनट सुनिए, आप मैं नहीं बोलती ना, मैं खड़ी रहती हूँ। कूड़े के लिए लोगों से ये धमकाया जाता है, मैं नहीं लूंगा, इधर आके डाल। बंदे चुपचाप बैठे रहते गाड़ी के अंदर, जो जिसके घर के साथ चिपक गया एक ही साइड चिपकेगा ना, दोनों साइड। लेकिन यहाँ तो आपका फिर मेरे मन में सवाल आता है, अगर यहाँ पर आप सत्ता में हैं इस इलाके में, तो फिर ये जितना आरोप लगा रही है, ऐसा लग रहा है कांग्रेस ही कांग्रेस पर आरोप लगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बोला ना कि एक तरफ से सारे, जिस तरीके से एक काउंसलर, एक जिनका दबदबा है उस हिसाब से होता है ना, काउंसलर को भी दबा लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया प्रदूषण का लगा तो दिया, लेकिन खाली पंखा चलता है, काम नहीं करता। देखिए पॉल्यूशन, देखिए सबको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। अरे ऐसे मत करो यार, बीच में बोलो मत ना, आप ही बारिया बोलो। जी जी, होगा क्या कि ये पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, पॉल्यूशन पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। और दिल्ली की अगर एक सवाल कूड़ा है, तीन कूड़े का पहाड़ है। मनोज तिवारी ने कहा था मैं सीधा केंद्र से पैसे लेके आऊंगा, कहा था नहीं कहा था? उन्होंने कहा था नए चेहरे नई उड़ान, क्या हुआ उस उड़ान का? वो उड़ान कुलदीप जी एक सवाल मन में आता है कि अगर आप लोगों ने कहा था प्रदूषण खत्म कर देंगे, अभी नहीं हुआ, तो अगर जनता कैसे भरोसा करे कि कूड़े का पहाड़ आप खत्म कर देंगे? देखिए जनता जानती है कि ये जो ये पोल्यूशन है, ये नॉर्थ इंडिया की समस्या है पूरे की, ये दिल्ली की समस्या नहीं है। आम आदमी पार्टी, मैं पूछे मौका देंगे एक मिनट सर, मेरे को एक बात बता दो सर, एक मिनट सुनो मुझे, एक बात बता दो सर, कूड़ा इनका काम नहीं है, इन्होंने 2020 के अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा हम कूड़ा?